ओके गाइस, वेलकम टू चैनल वंस अगेन। दिस इज रिव्यू। सो आज पहले अपन निफ्टी के वीकली एनालिसिस करेंगे, देन डेली एनालिसिस करेंगे, फिफ्टी चार्ट में देखेंगे मंडे को अपन किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। ओके, कुछ स्टॉक्स देखें जो इंट्राडे पर्पस से, कुछ स्टॉक्स देखें जो कि स्विंग पर्पस से फोकस में डाल सकते हैं। ओके, और वीडियो आज एक दिन लेट है बिकॉज कल आता है, जनरली मेरी वीडियो सैटरडे को आता है, बट आज थोड़ा सा मैं ट्रैवल कर रहा था तो आज आ रहा है वीडियो। सो डायरेक्टली चलते हैं अपन चार्ट्स पे। तो अपनी लास्ट वीक क्या बताते थे कि अगर मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुल जाता है ऑलमोस्ट 18,220 के ऊपर कहीं भी अगर खुलता है मार्केट, तो अपने लिए इस तरह की कोई कैंडल फॉर्मेशन हो सकती है, ये अपनी बात होती है। और मार्केट थोड़ा सा फ्लैट खुला और फ्लैट खुल के धीरे धीरे करके एक बार 18,270 तक गया मार्केट और वहाँ से रिवर्सल लिया है। बात की थी डेली बेसिस पे कि देखो मंथली बेसिस पे मार्केट क्या है, सुपर बुलिश दिख रहा था और बोला था कि इस मंथ मार्केट हो सकता है न्यू ऑल टाइम हाई के लिए अप्रोच कर दे, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात होती नहीं है। ओके, वीकली बेसिस में भी मार्केट सुपर स्ट्रांग दिख रहा था तो कोई दिक्कत नहीं। तो अगर मार्केट इसके ऊपर लेवल क्लोज होता है 18,280 के ऊपर, तो अपने लिए एंट्री ट्रिगर हो रही थी पॉजिटिव साइड की। ओके, थोड़ा पोजिशनल बेसिस बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या बात होती है डेली बेसिस पे कि मार्केट स्ट्रेच है, मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती, इसलिए आपको लेवल दिया गया था 18,280 के ऊपर। एक डेली क्लोज करेगा मार्केट, एक डेली क्लोज करेगा, देन अपन लॉन्ग जाएंगे। उससे पहले अपन फ्रेश लॉन्ग नहीं जा सकते, जो नीचे से है वो ट्रेल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फ्रेश लॉन्ग जाना यहाँ पर खतरा हो जाएगा, तो इसलिए अपन को फ्रेश लॉन्ग नहीं जाना था यहाँ पर। और मतलब जो नीचे से हैं वो यहाँ पे कहीं जो घुसे हुए हैं वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऊपर कोई 18,200 के आसपास जाके लॉन्ग करेगा तो उसके लिए रिस्की हो जाएगा मामला। ये बात हुई थी अभी बिकॉज मार्केट क्या थोड़ा सा ओवर स्ट्रेस डेली बेसिस पे दिख रहा था। ओके, अभी मार्केट ने क्या किया एग्जैक्टली, मार्केट ने जो हाई लगाया है और लगाया है 18,270 के आसपास, 18,267.45 ये मार्केट ने हाई लगाया है, और इसके बाद मार्केट ने थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग दिखाई है और ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुकिंग फ्राइडे को ही दिखाई है। बिकॉज अपनी बात हुई अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर निकलता है तो एक अच्छी कैंडल बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है। ओके, अभी के लिए मार्केट में क्या दिखता है वो देख लेते हैं। बिकॉज जिस तरीके से मार्केट ने इस तरीके की ये पिनवार वाला जो बनाया है ना, तो जब भी मार्केट अब इसके लेवल्स को क्रॉस करेगा तो 18,270-280 वाला लेवल ही आता है अपने पास। इसके ऊपर जब भी मार्केट जाएगा तभी अपन को थोड़ी सी तेजी सोचनी है। अब जब भी रिट्रेसमेंट होता है तो अपन को एक लेवल मिल जाता है, तो अब अपने पास लेवल आ गया, जो कि लेवल अपन ने पिछले वीक भी डिस्कस किया था, वही लेवल इसमें निकल के भी आया, तो अच्छी बात है। जब भी मार्केट अब इस लेवल को काट के वीकली बेसिस पर सस्टेन करेगा ऊपर की तरफ, तब मार्केट ऑलमोस्ट अपने न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच कर जाएगा। ये चार्ट में देख के समझ आ गया है। ओके, न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ अप्रोच करेगा जब भी इस लेवल को काटेगा, जो कि होता है 18,270-280 के आसपास का, इसके ऊपर के क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा ऑन डेली बेसिस मार्केट। ओके, ओके, तो अपने पास लॉन्ग करने का आ गया समझ में, अपन को वीकली बेसिस पर लॉन्ग टर्म जाना है और 18,280 के ऊपर मार्केट सस्टेन करता है। ओके, अगर मार्केट में नीचे की बात करें वहाँ पे अपने टारगेट बनेंगे ऑलमोस्ट न्यू ऑल टाइम हाई के, लेकिन वीकली बेसिस से बात करेंगे तो टारगेट अपने पहले 18,450 से लेकर 18,500 तक बनेंगे 18,280 के ऊपर, और इसके बाद फिर मार्केट 18,600 की तरफ अप्रोच कर जाएगा। ओके, ये तो बाइंग की बात रही जो 18,280 के ऊपर एक से दो क्लोजिंग करेगा मार्केट डेली बेसिस पे, तो अपन को बस समझ में आ जाएगा, देन अपन बाइंग की तरफ जा सकते हो ना पोजिशनल बेसिस। ओके, सेल का क्या सिनेरियो दिख रहा है, तो सेल का बहुत ही सिंपल क्लोज सिनेरियो है, ऑलमोस्ट लो लगाया मार्केट ने 18,042 का, तो जैसे ही मार्केट 18,040 के नीचे की एक क्लोजिंग करना स्टार्ट करता है, अपने पास पहले टारगेट खोलते हैं ऑलमोस्ट 17,900, देन 17,850 से लेकर 17,800 तक के टारगेट अपने पास वीकली बेसिस में खोल सकते हैं नीचे के साइड के, ऑलमोस्ट 250 से 300 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है, और इसके नीचे अगर मार्केट निकलने लगता है तो मार्केट 17,700 की तरफ अप्रोच कर जाएगा। ओके, ये लेवल्स अपने दिमाग में होने चाहिए, 17,800 तक मार्केट कभी भी आ सकता है, 18,040 के नीचे सस्टेन करता है 17,800-18,850 तक, उसके नीचे फिर 17,700 तक के लेवल ओपन होते हैं। वीकली बेसिस पे अपने पास लॉन्ग करने का न्यू लेवल आ चुका है जो कि 18,270 के आसपास निकल के आ रहा है, शॉर्ट इमीडिएटली कर सकते हैं अगर मार्केट ऑलमोस्ट 18,040 के नीचे निकलता है, तो यहाँ तक मार्केट आने का ट्राई कर सकता है। और ना वीकली बेसिस अगर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से निकलता है तो अपन को समझ में आ जाएगा, डेली बेसिस पे तो अपन इसकी बात कर लेंगे। ओके, वीकली बेसिस से मार्केट थोड़ा सा मतलब प्रॉफिट बुकिंग दिखाने की शुरुआत की है मार्केट ने, तो अपन को यही चाहिए था कि मार्केट अगर कोई लेवल दे देगा देन अपन इसके ऊपर निकलेगा तब अपन फ्रेश लॉन्ग कर सकते हैं, इसके ऊपर अब फ्रेश लॉन्ग बन सकता है और डायरेक्टली इसके नीचे एक और प्रॉफिट बुकिंग ट्रिगर हो सकती है जो मार्केट को 17,800-17,700 की तरफ लेके आ सकती है। ओके, अभी अपन चलते हैं डायरेक्टली डेली बेसिस पर और देखते हैं मार्केट में डेली बेसिस पर क्या प्लान कर सकते हो, चार्ट किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, डेली बेसिस पे थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रही है जिस तरीके से, और मैंने आपको 50 चार्ट पर जिस तरीके से मैंने बताया था आपको गुरुवार को कि मार्केट में किसी भी केस में गैप डाउन होता है, किसी भी केस में,
तो फिर मार्केट का सिनेरियो थोड़ा सा फंसा है। बिकॉज जिस तरीके की कैंडल बनी थी ना, इतनी अच्छी बुलिश कैंडल बनी थी, और वो भी, लेकिन दिक्कत क्या थी, ये एक्सपायरी के दिन बनी थी। तो एक्सपायरी के दिन जब भी मार्केट इस तरीके की कैंडल बनाता है तो फिर क्या, हाई पे जाकर क्लोज करके, और नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन हो गया, नेक्स्ट डे अगर गैप डाउन हो गया तो फिर क्या, जितना भी लोग ऊपर एटलीस्ट जो भागते हैं ना फोमो में, वो फंस जाते हैं। तो फिर क्या है, मार्केट में ये वाले सिनेरियो बन जाता है कि अगर मार्केट थोड़ा सा इतनी अच्छी क्लोजिंग दी, उसके बाद नेक्स्ट गैप डाउन हो जाता है, तो थोड़ी सी दिक्कतें आ जाती हैं फॉर द बाइंग साइड। ओके, सो इसलिए अपन ने बात की थी, किसी भी केस में गैप डाउन होता है थोड़ा सा आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। किस तरीके से फॉर्मेशन चल रहा है, यहाँ पर लगातार मार्केट ऊपर जा रहा था, थोड़ा सा रिट्रेस किया, फिर ऊपर गया, एंड देन फिर से रिट्रेस कर रहा है, सिंपल प्राइस एक्शन बन रहा है थोड़ा सा नेगेटिव साइड के लिए। ओके, सो सिंपल है, इसमें भी 18,040 के नीचे की क्लोजिंग अपन को ऑलमोस्ट पहले 18,040 के नीचे की क्लोजिंग अपन को पहले 17,950 से लेके ऑलमोस्ट 17,850 और 17,800 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो 18,040 से लेवल जिसके ऊपर अपन को थोड़ा सा कॉशियस हो जाना चाहिए। ऊपर की तरफ यहाँ पे भी लेवल जो निकल के आता है वो 18,280 का ही निकल के आता है। इसके ऊपर ही मार्केट जो सस्टेन करेगा तभी अपन को लॉन्ग जाना है, ऑन अ डेली बेसिस, ऑन अ वीकली बेसिस, एवरीथिंग। अभी 18,280 के ऊपर ही अपन थोड़ा सा बाइंग के लिए फोकस में रखेंगे, अदरवाइज थोड़ा सा मार्केट प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है। डेली बेसिस पे मार्केट थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग वाले फेज में जाने को तैयार दिख रहा है। इन केस मार्केट गैप अप होता है तो उसकी बात अपन 50 चार्ट पर देखते हैं, डायरेक्टली चलते हो किस तरीके से प्लान करना है, मंडे को अपन बात करते हैं। ओके, सो 15 चार्ट पर अगर अपन डायरेक्टली चलते हो देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से अपन प्लान कर सकते हैं, तो बहुत ही सिंपल तरीका है। यहाँ पे एक अपन लाइन डाल लेंगे और जो कि लेवल होता है 18,170 के आसपास। ओके, सो 18,170 तक मार्केट कहीं भी जाता है अपने लिए कोई दिक्कत की बात नहीं। इसके ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज करेगा, 18,170 के ऊपर 5 मिनट कैंडल क्लोज करेगा, देन बाई की तरफ अपन जा सकते हैं। 18,170 के ऊपर बाई की तरफ जा सकते हैं, और टारगेट जो अपने बनेंगे ऑलमोस्ट 18,220 पहला, 18,220 पहला, और उसके नीचे उसके ऊपर 18,260, 18,220 और 18,260 अपने टारगेट बनेंगे, 18,220 और 18,260 ये टारगेट अपने बनेंगे बाइंग की साइड अगर मार्केट 18,170 के ऊपर कहीं जाता है, जिसके चांसेस बाइंग के अभी थोड़े से कम दिख रहे हैं। अच्छा, सबसे अच्छा सिनेरियो क्या होता है, मार्केट गैप अप खुल जाए 18,170 के आसपास, कोई रेड कैंडल मिल जाए अपन को, रेड कैंडल मिल जाए 5 मिनट चार्ट पे, उसके नीचे मार्केट जैसे निकलता है अपन सेल कर सकते हैं 18,170 के आसपास अगर गैप अप होता है तो, और यहाँ कहीं ऑलमोस्ट गैप अप होता है तो अपने पास फिर से यहाँ तक के टारगेट बन जाएंगे। पहले टारगेट अपने बनेंगे 18,050 तक के। इनकेस मार्केट 18,050 से लेकर 18,040 के नीचे सस्टेन करने लगता है, देन मार्केट 17,980 से लेके और 17,920 तक आने का ट्राई कर सकता है, 17,980 से लेके ऑलमोस्ट 17,950 तक, 17,950 तक आ सकता है। ओके, सो बेस्ट केस सिनेरियो क्या दिख रहा है, 18,170 के आसपास कहीं मार्केट गैप अप मिलता है अपन को, वहाँ से अपन सेल के बारे में सोच सकते हैं, 18,050 अपने टारगेट हो सकते हैं। अगर मार्केट फ्लैट खुल के नीचे आता है और 18,040 को इमीडिएटली ब्रेक करता है अपन सेल कर सकते हैं, टारगेट थोड़े छोटे रहेंगे 17,980 से लेके 17,950 तक के टारगेट अपने हो सकते हैं। ओके, 17,950 तक के टारगेट अपने हो सकते हैं अगर फ्लैट खुल के मार्केट 18,040 को ब्रेक करता है, फ्लैट खुल के, फ्लैट सिनेरियो। और ये थोड़ा सा गैप अप वाला, ये थोड़ा सा अच्छा सिनेरियो, बिकॉज इसमें SL भी ज़्यादा अपना रिक्वायर्ड नहीं रहेगा, ऑलमोस्ट 15 से 20 पॉइंट का SL इसमें रिक्वायर्ड रहेगा, और टारगेट अपने 18,050 पे आ, उसके नीचे फिर 17,980 तक मार्केट आ सकता है। सो फ्लैट खुल के अगर नीचे आता है थोड़ा सा SL अपन को 20 से 25 पॉइंट का डालना पड़ेगा, टारगेट छोटे मिल रहे हैं और गैप अप हो जाता है तो बेस्ट केस सिनेरियो बन रहा है, और यहाँ पर अपन 18,170 के आसपास सेल का सोच सकते हैं, 18,040 के नीचे फ्लैट खुल के सेल कर सकते हैं। अगर मार्केट गैप डाउन हो जाता है तो थोड़ा सा अपन को वेट करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे कहीं मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा, यहाँ की गैप डाउन होता है तो फिर मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा, टाइम पास करेगा, फिर नीचे आने का ट्राई कर सकता है। तो गैप डाउन केस में थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, अदरवाइज 5 मिनट कैंडल ब्रेक डाउन पर भी अपन उसके हाई पे ऐसा डाल के ट्रेड ले सकते हैं। बट आई विल सजेस्ट कि मार्केट थोड़ा सा गैप अप खोले तो वहाँ बेस्ट केस सिनेरियो बन सकता है, बिकॉज मार्केट थोड़ा सा वहाँ पे ऐसा अपना छोटा लग सकता है। ओके, सो गैप डाउन केस में थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, फ्लैट खोल के अपने SL बड़ा हो रहा है, टारगेट छोटे हो रहे हैं, बट अपन सेल कर सकते हैं 18,040 के नीचे फॉर द टारगेट, 17,980 से लेकर 17,950 तक के। गैप अप के केस में अपना बेस्ट केस सिनेरियो बन रहा है, 18,170 के आसपास सेल करेंगे जब तक मार्केट उसके ऊपर सस्टेन नहीं करता। 18,170 18,160 इज द लेवल जहाँ पर मार्केट मिलता है, 5 मिनट कैंडल रेड बना तो अपन सेल कर सकते हैं, टारगेट अपने 18,050 तक के हो सकते हैं पहले, उसके नीचे फिर 17,980 तक के। 18,170 के ऊपर ही सस्टेन करेगा तेन अपन बाई कर सकते हैं, टारगेट 18,220 से 18,260 तक के हो सकते हैं। ओके, सो ये अपनी बात है निफ्टी की, डायरेक्टली चलते हैं अपन स्टॉक्स की तरफ और डिस्कस करते हैं। तो पहला स्टॉक जो अपने फोकस में रहेगा तो वो रहेगा अपना
भारत फोर्ज, तो भारत फोर्ज लुकिंग थोड़ा सा वीक दिख रहा है अभी के लिए, तो इसको थोड़ा सा सेलिंग की साइड फोकस में डाल सकते हैं, लेकिन लेवल अभी इसका थोड़ा सा दूर है, तो इसको फोकस में डालेंगे जब इसके लेवल्स आएंगे। कब आएंगे इसके लेवल? जब भी ऑलमोस्ट 750 के नीचे सस्टेन करेगा, बिकॉज ये इसका देखो सपोर्ट एरिया है। अगर यहाँ पर सपोर्ट लेके बाउंस करता है तो इट्स ओके, ये थोड़ा सा इसका सपोर्ट एरिया है, तो अगर यहाँ से बाउंस करता है तो अच्छी बात है, अदरवाइज ये थोड़ा सा 750 के नीचे आता है। 750 के नीचे अगर सस्टेन करने लगता है 15 से 3 मिनट, तो 750 के नीचे 15 से 30 मिनट, देन इसमें एक ब्रेकडाउन आ सकता है, तो उस पर फोकस बना के रख सकते हैं, लेकिन 750 के नीचे ही। ओके, उसके नीचे 7 से 8 रुपये का सेल 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द एंटेड पर सेल साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं 750 के नीचे। नेक्स्ट और रहेगा हिंदुस्तान एरोनोटिक्स, तो हिंदुस्तान एरोनोटिक्स तो इज लुकिंग लाइक थोड़ा सा ऊपर की तरफ ये पुल हो सकता है, लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के वाले फेज़ में है, तो अगर मार्केट के सिनेरियो में थोड़ा सा वीक सिनेरियो, अगर ये अपन को 2900 के आसपास मिलता है, वहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव सिनेरियो मिलता है, तो यहाँ पर ऑलमोस्ट 25 से 30 पॉइंट के एसएल डाल के 25 से 30 एसएल और 1:2 से लेके 1:3 तक के टारगेट के लिए फोकस में डाल सकते हैं 2900 के आसपास। यहाँ तक अगर कभी मिलता है उनको तो उसको फोकस में डाल सकते हैं फॉर द बाइंग साइड 2900 के आसपास। ओके, नेक्स्ट स्टॉक विल बी टाटा पावर, सो टाटा पावर इज ऑल्सो लुकिंग थोड़ा सा ये भी नीचे की तरफ ड्रैग हो सकता है, अगर ये अपने लेवल्स को क्रॉस करता है तो इसको ही फोकस में डाल लेंगे। और किस तरीके से, अगर ये ऑलमोस्ट 199 के नीचे निकलता है, 199 के नीचे अगर ये सस्टेन करने लगता है, और 2 से 2.5 रुपये का इसमें एसएल डालेंगे, 2 से 2.5 रुपये का एसएल और 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द इंट्राडे पर्पस सेलिंग साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं। ओके, जिस तरीके से ये ऑलमोस्ट यहाँ पर गिरा था ना, तो ये इसका पहले से ही रेजिस्टेंस जोन बना हुआ, लेकिन इसके ऊपर ये सस्टेन करा है, लेकिन डायरेक्टली एक कैंडल में इसने इसको पूरा 3-4 दिन का मोमेंटम खाया है, तो वीकनेस दिखिए थोड़ी सी पहला साइन मिले, तो अगर इसके नीचे निकलता है तो इमीडिएटली ये वाले लेवल्स को रिटेस्ट करने आ सकता है ऑलमोस्ट 193-194 तक के, तो इसमें ऑलमोस्ट 2 से 2.5 रुपये का सेल 1:2 के टारगेट फॉर द एंटेड पर्पज सेल साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं टाटा पावर को। ओके, नेक्स्ट स्टॉक विल बी ऑलमोस्ट VBL, सो VBL इज लुकिंग गुड, सो इसको फोकस में डालेंगे, लेकिन अभी नहीं फोकस में डालना है, जब भी ये लेवल्स को क्रॉस करेगा तभी फोकस में डालना है। देखो यहाँ पे ये क्या है, नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है, अगर यहाँ से नीचे आता है तो अपने को उसमें हाथ नहीं लगाना है, कुछ भी नहीं करना है, हाथ क्या ये, लेकिन इसका जोन बना हुआ है, ये इसकी एक रेंज बनी हुई है, जब भी इसको अगर अपसाइड की तरफ ब्रेक करता है तो इसमें फिर से मोमेंटम आ सकता है, तो उसको फोकस में डालना है। और फोकस में कब डालेंगे, ऑलमोस्ट 1480 के ऊपर जब भी ये क्लोजिंग करना स्टार्ट करेगा, नॉट ए कैंडल, 1 डेली क्लोज स्टार्ट मिलेगी इसकी 1480 के ऊपर, देन इसको फोकस में डालना है, और 1480 के ऊपर डेली क्लोज एक मिलेगी देन इसको फोकस में डालना है, और 2-3% का एसएल रखेंगे, 2-3% का एसएल, और 6-8% से लेकर 10% तक के स्विंग के लिए फोकस में डालेंगे इसको, जब भी ये ऑलमोस्ट 1480 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा तब। ओके, अदरवाइज ये कभी भी नीचे मिलता है 1350 के आसपास या ऑलमोस्ट 1380 के आसपास तभी भी फोकस में डाल सकते हैं, लेकिन इसके बीच में कहीं ट्रेडिंग नहीं करनी, इसमें बीच में नो ट्रेडिंग जोन बना रहेगा। ओके, नेक्स्ट स्टॉक रहेगा विल बी टाटा स्टील, सो टाटा स्टील इज ऑल्सो लुकिंग थोड़ा सा नीचे की तरफ ड्रैग हो सकता है, तो उसको फोकस में डाल सकते हैं। यहाँ पे लगातार ऑलमोस्ट थोड़ा सा ये वीक बिहेव किया, अच्छी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनाई है, अगर इसके नीचे निकलता है 108.50 के नीचे अगर 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन ऑलमोस्ट 1 से 1.5 रुपये का एसएल, 1 से 1.5 रुपये का एसएल, 1:2 के टारगेट के लिए फॉर द एंटेड पर्पज सेल साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं। ओके, सो 108.50 के नीचे 1 से 1.5 रुपये का एसएल, 1:2 के टारगेट फॉर द एंटेड पर्पज सेल साइड के लिए टाटा स्टील को फोकस में रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक विल बी इन्फी इज ऑल्सो लुकिंग थोड़ा सा ये, मतलब जिस तरीके से इसका गैप डाउन हुआ था और उसके बाद इसने वहीं पे थोड़ा वक्त कंसोलिडेट करके ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन अभी के लिए फिर से थोड़ा सा प्राइस एक्शन थोड़ा सा नेगेटिव बनना स्टार्ट हो गया इसका, और इस तरीके से थोड़ा सा पैटर्न बना रहा है, तो अगर 1250 के नीचे सस्टेन करता है और एक 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है, देन ऑलमोस्ट 9-10 रुपीज़ का एसएल, 9-10 रुपये का एसएल, और 1:2 के टारगेट फॉर द एंटेड पर बस सेल साइड के लिए फोकस में रखते, तो इन्फी इज लुकिंग वीक एज ऑफ नाउ, और ये थोड़ा सा और नीचे की तरफ फिर से अपने पुराने लोस को रिटेस्ट करने आ सकता है, जो कि रिसेंटली बने थे ऑलमोस्ट 1230-1240 वाले, तो 1250 के नीचे इसको ट्रैक कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टॉक विल बी LT, अभी LT इज लुकिंग गुड, और मतलब अभी अच्छा दिख रहा है, लेकिन इसमें भी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है तो मार्केट को भी थोड़ा सा नीचे लाया जा सकता है,
किस तरीके से यहीं पे रेजिस्टेंस लेता हुआ दिख रहा है, तो अपने जो पुराने लेवल्स को रिटेस्ट करने कभी भी आ सकता है, अपने पुराने लेवल्स को रिटेस्ट करने आ सकता है। तो 2373 2374 के नीचे इसको फोकस में डालेंगे, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है देन इसको फोकस में डालेंगे और ऑलमोस्ट 10 से 11 रुपये का SL और 1:2 तक के टारगेट फॉर द इंट्राडे पर्पस सेल साइड के लिए फोकस में रख सकते हैं। जिस तरीके से इसमें ट्रांजेक्शन यहाँ पर डायरेक्टली रेजिस्टेंस लेता है वो दिख रहा है, तो इसको जब भी इसके ऊपर निकला तभी फोकस में डाला, अदरवाइज ये यहाँ पर रिटेस्ट करने आता है तो अच्छा रहेगा इसके लिए। तो LT इज लुकिंग थोड़ा सा कि नीचे प्रॉफिट में दिखा सकता है 2373 2374 नीचे 5 मिनट कैंडल क्लोज करता है 10 से 11 रुपये का SL 1:2 के टारगेट फॉर द इंट्राडे पर्पस सेल साइड के लिए फोकस में रख सकते। ओके सो दैट्स इट टुडे, जहाँ पर निफ्टी इज लुकिंग थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है 17,800 17,700 तक वहाँ तक आता है निफ्टी, कोई भी डरने की बात नहीं होती है। उसके नीचे ऑलमोस्ट 17,600 17,500 तक की मार्केट अगर होल्ड करता है लेवल देन भी कोई भी ज़्यादा डरने की बात होती नहीं है। अपन को इमीडिएटली डेली 16,800 से ऑलमोस्ट 18,200 तक की रैली मिली तो मार्केट थोड़ा बहुत रिट्रेस कर सकता है, कारण कोई भी हो सकता है आई डोंट नो। सो कारण HDFC में कुछ खबर लग गई तो इसलिए वो टूट गया, ये सारी चीज़ें होती रहती है, कोई तो खबर लगेगी तभी मार्केट नीचे आएगा, ऐसा तो होता नहीं है कि मार्केट लगातार ऊपर जाए। एक इंडिकेशन अपन को रिलायंस से मिल सकता है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, बिकॉज रिलायंस इज लाइक रिलायंस अगर बता देगा मार्केट किस तरफ जा सकता है तो रिलायंस पे अगर नज़र बना के रखेंगे तो थोड़ा सा फोकस रह सकता है। रिलायंस जिस तरीके से कैंडल बनाई, अगर ये 2460 के ऊपर कभी सस्टेन करने लगता है 2460 के ऊपर देन इसमें एक अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। ये ऑलमोस्ट 2460 के ऊपर ये ऑलमोस्ट 2550 से लेकर 2600 तरफ निकलेगा, तो वहाँ से ऑलमोस्ट मार्केट में भी ऑल टाइम हाई की तरफ मार्केट निकल जाना चाहिए। ओके सो रिलायंस पे नज़र रखें, जब भी 2460 के नीचे ऊपर सस्टेन करेगा देन इसको फोकस में डाल सकते हैं। ओके सो दैट्स इट टुडे का वीडियो, अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब, मिलते हैं नेक्स्ट, तब तक के लिए बाय, सी यू।